पैरागोन हाउसिंग स्कैंडल में हलचल। डायरेक्टर कैसर अमीन भट्ट वादा मुआफ गवाह बन गए। ख्वाजा साद रफीक ने नदीम जिया से मिलवाया, इसकी दीगर कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। कैसर अमीन भट्ट का जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान, बयान बंद कमरे में रिकॉर्ड किया गया। वकला मीडिया के नुमाइंदों वकला और कैसर अमीन भट्ट के बेटे मामून कैसर को भी कमरे से बाहर रखा गया। इदारों में कोई इख्तलाफ नहीं, सब एक पेज पर हैं। साबिक दौर में ब्यूरोक्रेट सियासतदानों सहाफियों सब ने फायदे उठाए, अब वो खत्म हो गए। वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान का फ्लैटिस होटल में किताब की तकरीब रोनुमाई से खिताब। पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट के हसूल में आसानियां, मौत के 60 रोज के अंदर डेथ सर्टिफिकेट लेने की शर्त खत्म। 20 वर्ष के भी हो जाए तो पैदाइशी सर्टिफिकेट के लिए अहल होंगे। पैदाइशी और मौत के सर्टिफिकेट में नई तरमीम के लिए वर्किंग पेपर तैयार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने सिफारिशात महकमा बल्दियात को भेज दी, चेयरमैनों को भी मुकम्मल इख्तियार देने की सिफारिश। अटारी जंडियाला और शालीमार टाउन के 7 मुख्तलिफ पार्क्स को खूबसूरत बनाने के लिए 29 लाख रुपए के फंड जारी। 7 पार्क्स के लिए गुज़श्ता साल सिर्फ 12,50,000 जारी किए गए। पीने के पानी और सीवरेज स्कीमों के लिए भी फंड्स का इजरा। 9 तरक्याती स्कीमों के लिए 10,49,94,000 रुपए जारी करने के अहकाम जारी। दस माह गुजर गए, पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने टूटा पुल ना बन सका। पेडेस्ट्रियन पुल 10 जनवरी को ट्रक की टक्कर से गिर गया था। साबिक हुकूमत ने मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 1 माह का वक्त दिया था, लेकिन पुल की हालत जू की तू। शहरियों की सहूलत के लिए महकमा एक्साइज ने प्रोजेक्ट स्मार्ट कार्ड के टेस्ट रन का आगाज कर दिया। डीजी एक्साइज पंजाब अकरम अशरफ गोंदल ने स्मार्ट कार्ड मशीन का जायजा लिया। स्मार्ट कार्ड मशीन के जरिए 1 दिन में 20,000 कार्ड तैयार किए जा सकेंगे। कीमत 530 रुपए मुकर्रर की गई है। डीजी एक्साइज। शहर के एक और तरक्याती मंसूबे का आगाज, मुल्तान रोड दतोसी मंसूबे पर काम शुरू। साबिक हुकूमत का मंसूबा अरसा से ताखीर का शिकार था। मौजूदा हुकूमत ने लागत कम करने के लिए मंसूबा 4 लेन से 3 लेन कर दिया। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद मुल्तान रोड पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। पीटीआई की हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल हो गए, देखना होगा हुकूमत ने नौजवानों के लिए क्या किया। आज हमें पाकिस्तान को बचाने और इसकी तरक्की का दोहरा चैलेंज दरपेश है। मुल्क तब बदलेगा जब मौरसी सियासत खत्म होगी। सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार का अवारी होटल में यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। फारूक सत्तार का MQM की राबता कमेटी के अरकान के साथ छोड़ने पर शिकवा। शायराना अंदाज में कहा, हमने मौसमों को रंग बदलते देखा, इंसानों को रंग बदलता देखा। अबूरी जमानत में तौसी की एक और इस्तदा मंजूर। ख्वाजा बरादरान को अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसी मिल गई। दोनों भाइयों साद रफीक और सलमान रफीक को इससे पहले 3 मरतबा अबूरी जमानत मिल चुकी है। ख्वाजा बरादरान की पेशी के मौका पर कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद रही। नारेबाजी की गई, हुकूमत की जानिब से हमारे ऊपर कहर आया हुआ है, इमरान खान को मुझसे बहुत तकलीफ है। ख्वाजा साद रफीक। लाहौर हाईकोर्ट ने मोल रोड, होल रोड, शालम मार्केट और दाता दरबार के इर्द गिर्द चावजात 24 घंटे में खत्म करने का हुक्म दे दिया। डीसी साहिबा, अदालती हुक्म पर मनोवन अमल होना चाहिए। जस्टिस अकबर कुरैशी ने अदालत में पेश सालिया सईद को हिदायत कर दी। अदालत ने बागीची शाह चिराग में मियानी साहब की अराजी से कब्जा छुड़वाने का भी हुक्म। डीसी कल तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल, एहतसाब अदालत ने अहद चीमा के जुडिशल रिमांड में 5 दिसंबर तक तौसी कर दी। साबिक DGLDA अहद चीमा पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्जाम हैं। रेड जोन से बाहर करार दिए जाने वाले ईंटों के भट्टे खोलने की इजाजत दे दी गई। लाहौर का जिला रेड जोन में शामिल, 31 दिसंबर तक पाबंदी बरकरार रहेगी।
महकमा तहफ्फुज़ माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का व्हील चेयर क्रिकेट टीम की भरपूर सपोर्ट का ऐलान। एशिया कप में शिरकत के लिए जाने वाली व्हील चेयर टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। 1 लाख रुपए अपने जेब से देने का भी ऐलान किया। यकीन है कि कौमी टीम जीत कर आएगी। चौधरी मोहम्मद सरवर। सीसीपी ऑफिस के करीब 1.5 करोड़ की डकैती। सीटी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल हो गई। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पहले मजंग से मोटरसाइकिल छीनी और फिर वारदात करके फरार हो गए। पुलिस तहाल मुलजिम गिरफ्तार ना कर सकी। ऑपरेशन के दौरान खातून के साथ मुबैना ज्यादती का मामला। इंक्वायरी कमेटी ने खातून का बयान रिकॉर्ड करने की तैयारी कर ली। तमाम मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। फोरेंसिक रिपोर्ट आने से हकायक सामने आ जाएंगे। प्रोफेसर महमूद अयाज। छह माह कबल अगवा होने वाले 5 साला बच्चे के वालिदैन और रिश्तेदार सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। खजीमा गली में खेल रहा था कि मुलजिम अगवा करके फरार हो गए। पुलिस तावुन नहीं कर रही। मुजाहरीन का इल्जाम। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की चाइनीज कौंसल जनरल मिस्टर लॉन्ग डंग बन से मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी और सीपैक मंसूबों पर तबादला ख्याल। पंजाब हुकूमत सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। मियां असलम इकबाल। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेरे तमाम अलहमरा हॉल में रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी, मौलाना उस्मान बेग फारूकी, अलामा ताहिरुल हसन और दीगर उलमा शरीक। मुकर्ररीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। और कौमी वीमेन हॉकी चैंपियनशिप बाबडा ने सिंध किलर्स को शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में आर्मी और केपीकी की टीमें मध्य मुकाबले।